प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा वेंटिलेटर पर चल रही है। नसरुल्लागंज नगर के शासकीय महाविद्यालय में 2800 से अधिक छात्र अध्ययनरत है, जिनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विद्यालय में UCG के नियमों के तहत ना तो कॉलेज में बैठने की व्यवस्था है और ना ही फर्नीचर। वहीं कक्षाओं में पढ़ने वाले व्याख्याताओं की भी भारी कमी है। कॉलेज में 9 व्याख्या रेगुलर और 9 अतिथि विद्वान है, जबकि UGC के नियम अनुसार 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। वहीं BSc MSc के छात्रों के लिए प्रयोगशाला में संसाधनों की भी कमी है, जिसके चलते छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान तक नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, उन्हीं की विधानसभा में यह हाल है। 2800 छात्र छात्राओं पर मात्र 18 शिक्षक और 16 कमरे हैं, यानी 170 विद्यार्थियों पर एक विद्वान है और एक बेंच पर 8 छात्र कैसे बैठ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिवराज का प्रज्वल बुद्धि सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में कम से कम 2800 प्लस छात्र हैं और देखा जाए तो 16 से 17 रूम है और शिक्षक की कमी है, रूम की भी कमी है और एक कमरे में वैसे एक ब्रेंच में 2 या 3 बैठने चाहिए, लेकिन 5-5 बैठे जा रहे हैं, तो जो पढ़ने में लिखने में बहुत तकलीफ होती है मतलब। तो उसी प्रकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी शिक्षक की व्यवस्था हो और प्लस बैठने की व्यवस्था हो, रूम की व्यवस्था हो। यहाँ पे ना केमिस्ट्री की ना फिजिक्स की, दोनों लैब नहीं है और रूम अच्छे हैं पर थोड़े और अच्छे होने चाहिए। जी यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए शिक्षक की कमी है, इसके अलावा यहाँ पे व्यवस्थित लैब भी नहीं है और भवन की भी यहाँ पे कमी है, क्योंकि हमारे जो क्लास है BSc सेकेंड ईयर उसमें लगभग 200 बच्चे हैं और उस हिसाब से हमारे पास पूरे रूम भी नहीं है, उस हिसाब से हमारी कक्षाएं पूर्ण रूप से लग नहीं रही है। नसरुल्लागंज से EMS TV के लिए सुनील लखेरा की रिपोर्ट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।